नमस्कार मित्रों, कुसुम.नेट में आपका स्वागत है। यह है पार्ट 1 एसक्यूएल ट्यूटोरियल का, और इसमें हम देखेंगे फाइंड डुप्लीकेट रोज इन ए टेबल। तो चलिए चलते हैं एसक्यूएल सर्वर की ओर। और यह है मेरा डेटाबेस एमवीसी ट्यूटोरियल। और मुझे अगर कोई क्वेरी लिखनी है तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक ऑन दिस डेटाबेस एंड क्लिक ऑन न्यू क्वेरी। ओके, सो दैट आई कैन राइट द क्वेरीज टू क्रिएट द टेबल, टू फाइंड आउट द टेबल डिस्प्ले डेटा लाइक दैट। सो अगर मुझे टेबल एक क्रिएट करना है तो मैं क्वेरी लिखूंगा ये, जैसे कि तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम, और उसमें ये फील्ड दे दिए है, उसका डेटा टाइप दे दिया है। ठीक है, तो ऑलरेडी ये नाम का टेबल मैंने डेटाबेस में क्रिएट कर लिया है, इसलिए ये एरर बता रहा है। तो ये नाम का डेटा जो है ये है टेबल, इसमें आप देख रहे हैं कि ये मैंने रोस एंटर की है, उसमें से 2 रोस में डुप्लीकेट डेटा है, जैसे कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम अशोक पटेल, और 5th रो में भी अशोक पटेल है, राइट। चलिए अभी चलते हैं, तो ये डुप्लीकेट रोस कैसे फाइंड आउट करें। तो पहले तो मैं डिलीट मार देता हूँ, पहले डेटा डिस्प्ले करके देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा, और F5 प्रेस करते हैं, तो ये मेरा डेटा जितना भी है टेबल में वो डिस्प्ले हो गया। अब सपोज मुझे फर्स्ट नेम में कितना डुप्लीकेट वैल्यूज है। ओके, फर्स्ट नेम फील्ड में यहाँ पे देख रहे हैं आप, कॉलम में 2 बार डुप्लीकेट हुआ है, 5th और 1st रो में। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा की जगह अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो सिलेक्ट, भाई फर्स्ट नेम में मुझे ढूंढना है तो मैं उस फील्ड का नाम लिख दूंगा। ओके, फर्स्ट नेम, तो भाई क्या फाइंड आउट करना है, तो जो जो 2 बार रिपीट हुआ या 2 से ज्यादा बार रिपीट हुआ, जिसका आईडी बार बार रिपीट हुआ है ग्रेटर देन 1 टाइम। ओके, सो इसलिए मुझे काउंट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। सो काउंट ऑफ, किसका काउंट करूंगा मैं यहाँ पे, तो मैं फर्स्ट नेम का काउंट नहीं कर सकता, तो आईडी का काउंट करूंगा, जिसमें भी डुप्लीकेट रो सेंटर हुई है उसका आईडी मैं काउंट करूंगा। सो काउंट ऑफ आईडी, ओके, काउंट ऑफ आईडी फ्रॉम टेबल का नाम एम्प्लॉय डेटा एंड ग्रुप बाय, कौन से ग्रुप में से ढूंढना है टेबल के, तो भाई मुझे फर्स्ट नेम के ग्रुप में से ढूंढना है। ओके, डुप्लीकेट नेम, तो मैं यहाँ पे ये फर्स्ट नेम डाल दिया। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, देखते हैं ये पहली क्वेरी का डेटा ये डिस्प्ले हो गया, सेकंड क्वेरी जो मैंने अभी अप्लाई की है उसका डेटा ये डिस्प्ले कर दिया। तो फर्स्ट नेम बार जो फर्स्ट नेम अशोक है ये रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 2 काउंट आईडी डिस्प्ले कर दिया, राइट। और ठीक है, ओके, और बाकी सब जो है रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए 1 1 डिस्प्ले हो गया। इसी तरह से अगर मुझे लास्ट नेम या जेंडर सब में फाइंड आउट करना है तो भी हम कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे जेंडर लिख देता हूँ। ठीक है, जेंडर, और जेंडर का ग्रुप बना देते हैं ताकि जेंडर में ही कितने कितना जो रो है उसमें रिपीट हो रहा है, यानी कि मेल और फीमेल वो देखते हैं। तो मैं रन करता हूँ, आप देख रहे हैं फीमेल 3 बार रिपीट हुआ, मेल 2 बार रिपीट हुआ, राइट। तो इस तरह से कोई भी फील्ड का वैल्यू, जितना भी रो में डुप्लीकेट्स है वैल्यू, वो सब फाइंड आउट इस तरह से कर सकते हैं। सिलेक्ट नेम ऑफ द फील्ड वेर यू वांट टू फाइंड द डेटा एंड काउंट ऑफ द आईडी फॉर दैट फ्रॉम विच टेबल एंड ग्रुप बाय दैट फील्ड नेम। ओके, अगर ग्रुप बाय जेंडर की जगह मैं ग्रुप बाय और भी कुछ ऐड कर देता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ओके, ये देखते हैं। तो इसको मैं रन करता हूं तो ये सिर्फ जेंडर का ही काउंट करेगा। ओके, बाकी सबका ग्रुप तो बनेगा लेकिन काउंट जेंडर का करेगा।
और डिस्प्ले भी नहीं करेगा। अगर फर्स्ट नेम लास्ट नेम की वैल्यू भी डिस्प्ले करनी है तो आपको यहाँ पे ये वैल्यू डालनी होगी। ओके तो जेंडर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ऑल थिंग्स विल बी अराइव्ड इन द डिस्प्ले, राइट। आप देख रहे हैं जेंडर का पहले आ गया क्योंकि जेंडर मैंने फर्स्ट लिखा है, फिर फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम। इसमें से अब इसे डुप्लीकेट वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है। ओके तो इसको डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है जेंडर की, फर्स्ट नेम की, लास्ट नेम की, क्योंकि तीनों मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये जेंडर जो जो है इसमें सिमिलर, वो सब यहाँ पे एक साथ आ गए, फिर मेल ले लिया। उसी तरह इसने ये बाकी का नहीं लिया है क्योंकि हमने सबसे फर्स्ट जो भी दिया होगा उसी का वो डुप्लीकेट काउंट करेगा। ओके तो ये मैं निकाल देता हूँ और किसी एक के लिए हम लोग ये रख देते हैं डुप्लीकेट वैल्यू और करेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके सो F5, सो जेंडर का 32। अगर लास्ट नेम का चाहिए तो मैं लास्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम, राइट। तो ये लास्ट नेम का ग्रुप बनाया है इसने, और पटेल जो सरनेम है लास्ट नेम वो दो बार आई है तो दो बार यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से आपको डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।